हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्मार्ट स्टडी ग्रुप। जैसा कि हम पिछली वीडियो में 14 नवंबर 2019 का सैंपल पेपर कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम करेंगे 15 नवंबर 2019 शिफ्ट वन का। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी फैब और मार्च के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट फिलहाल अभी फैब और मार्च के एग्ज़ाम के लिए है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी पॉलिटी या साइंस से रिलेटेड या कोई भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। हाल ही में यूपी लेखपाल और आरआरबी ग्रुप डी, इनसे रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि मैं इस वीडियो में मैथ का सैंपल पेपर लेकर आया हूँ हर बार की तरह, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वन से, और आप मेरी हर एक ट्रिक को ध्यान से देखना किस तरीके से टॉपर्स करते हैं और किस तरीके से आप करते हैं, क्योंकि हर वीडियो में आपको यही डिस्टिंग्विश कराता हूं कि किस तरीके से आप एक अच्छे लेवल का पेपर को भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि DSSSB में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कम से कम SSC लेवल के तो आते ही हैं। अब पहला जैसा पैटर्न नहीं रहा कि सिर्फ ईजी ईजी पढ़ लो तो काम हो जाएगा या सिर्फ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो तो काम हो जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने पड़ेंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको पोज लेना है और खुद से ट्राई करना है। विवेक एंड मोहित अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज एंड 56 डेज, यानी विवेक और मोहित हैं, एक कर रहा है 42 डेज में और एक कर रहा है 56 डेज में, ठीक है। विवेक एंड मोहित स्टार्ट टुगेदर बट मोहित लेफ्ट द जॉब आफ्टर 12 डेज, यानी 12 दिन के बाद मोहित जॉब को छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि विवेक और मोहित कम से कम 12 दिन तो जॉब करते ही है ना, ठीक है, उसके बाद मोहित छोड़ देता है और बाकी काम कौन करता है, सिर्फ विवेक करता है। अब हमें टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा, 42 और 56 का। तो एलसीएम निकालते हैं 14, 3 जो 42 और 4, 3 4 जो 12, 12 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 168। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, जितना फास्ट चाहें उतना आप कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालने के बाद ये एफिशियंसी आ गई, ये टाइम आ गया और ये टोटल वर्क आ गया, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसने कहा कि 12 दिन तक दोनों ने काम किया, मतलब 12 दिन बाद मोहित छोड़कर चले गए, इसका मतलब ये हुआ कि 12 दिन तक दोनों ने काम किया था। तो विवेक और मोहित ने कितना काम किया, एक दिन में विवेक करता है 4 और मोहित करता है 3, तो दोनों एक साथ कितना काम कर देंगे, 4 + 3 एक दिन में, पर 12 दिन में कितना करेंगे, 4 × 3 = 7, 7 × 12 से मल्टीप्लाई, 84, ठीक है, 84 काम हो चुका है, बचा कितना, 168 में से माइनस करेंगे तो 84 काम ही बचा। जो बचा हुआ काम है वो सिर्फ कौन करेगा, विवेक करेगा, क्योंकि मोहित छोड़कर जा चुका है। तो विवेक की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, 4, तो 84 को कितने दिन में करेगा, 21 डेज में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। एक प्राइस ऑफ राइस हैज बीन इंक्रीज, यानी जो राइस है उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया 55%, 55% का मतलब 55/100, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इस तरीके से लिखेंगे, तो जो पहले 20 था वो क्या हो गया, बढ़ के 31 हो गया, यानी 11 और बढ़ गया। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज शुड अ हाउसवाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन टू कीप द एक्सपेंडिचर द सेम, यानी मतलब उसके जो कंजप्शन है, ठीक है, कंजप्शन है उसको कितना वो रिड्यूस करे कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहे। तो सेम रखने के लिए 31 इसको उल्टा कर देंगे, देखो 31 की 20 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम एक्सपेंडिचर आएगा, और यहाँ पे 31 की 20 से होगी तो भी सेम एक्सपेंडिचर आएगा। ये क्या है, ये आपका कंजप्शन है, और ये क्या था, ये प्राइस है, प्राइस की कंजप्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। तो यहाँ पे हमारा कंजप्शन है जो कि 31 से हमने कितना डिक्रीज कर दिया, 20 डिक्रीज कर दिया, यानी 11 डिक्रीज हो गया, ठीक है, मतलब 20 पहुंचा, 31 से 20 पहुंचा, इसका मतलब 11 डिक्रीज हुआ, कितने में से, 31 में से। तो बस आपको यही परसेंटेज निकालनी है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है 1100 और फिर उसको 31 से डिवाइड कर देना है, तो 393, फिर यहाँ 7 और यहाँ पे 1, ये 0, तो यहाँ पे 13 ये 5 टाइम्स में जाएगा, 5 × 3 = 15, क्योंकि अगर 31 लिखोगे मतलब 6 टाइम्स में काटोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 35 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ पे 36, 39, 37, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ इसमें गलती मत करना, क्योंकि छोटी माइनर गलती से भी आपका क्वेश्चन ही गलत हो सकता है। एक सेकेंड यहाँ पर, अब देखो इसमें क्या करना है, 4 × 2 = 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9, तो 9/4, फिर 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4/9, ठीक है, मतलब 9 इधर आ जाएगा ऊपर,
यस, इस तरीके से लिख लेना है। 9 9 9 + 4 क्या हो गया 13, 13/9, तो 13 नीचे 9 ऊपर, 13 3 13 3 39, 39 में फिर 9 ऐड करेंगे तो 48, तो 48 नीचे और 13 ऊपर, इस तरीके से आपको पलटते जाना है और ऐड करते जाना है। तो 13/48 ए की वैल्यू आ चुकी है, पर हमें फाइंड करनी है 24 ए की। तो 24 ए का मतलब 24 × a, और ए की वैल्यू क्या आई थी 13/48, इसको कट करेंगे तो 13/2, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये जीतन कैलकुलेट्स द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस ऑन द सेलिंग प्राइस, यानी जो जीतन है वो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करता है उसके सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, एसपी पे कैलकुलेट करता है, ठीक है। जीतन सोल्ड एन आर्टिकल जी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी वो किसी आर्टिकल को सोल्ड करता है 20% के प्रॉफिट पर, यानी जो 20% है उसकी वैल्यू आएगी 1/5। तो ये क्या कह रहा है कि एसपी पे करता है, एसपी का मतलब नीचे जो होगा वो क्या होगा एसपी, यानी 5 रुपये में उसने बेचा और 1 रुपये का उसका फायदा हुआ, तो यानी सेल कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस फिर 4 था, ठीक है, क्योंकि 4 रुपये की चीज जब 1 में बेचेंगे तभी की वो 5 की बेची जाएगी, तभी उसको फायदा होगा। इसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल जी इज 1200, यानी जो जी है, जी आर्टिकल, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 1200, और यहाँ पे हमने क्या निकाला 4, तो 4 की वैल्यू 1200 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 के बराबर, क्लियर। इसके बाद कह रहा है प्रेम कैलकुलेट हिज प्रॉफिट लॉस, इसका भी प्रॉफिट लॉस जो कैलकुलेट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है, इसका इधर लिख लेते हैं। प्रेम का, प्रेम जो कैलकुलेट करता है प्रॉफिट और लॉस वो कॉस्ट प्राइस पे करता है। देखो दोनों में डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करने में और कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करने पे। प्रेम सोल्ड एन आर्टिकल M4 1125 एट लॉस ऑफ 50%, यानी सॉरी 25%, 25% के लॉस पे वो बेचता है, यानी 1/4 होता है 25% का मतलब, यानी 4 की चीज यानी CP4 और 1 रुपये के लॉस में वो बेच देता है, यानी 3 रुपये में बेच देता है। ये कहना चाह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल M टू द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल G, यानी कॉस्ट प्राइस के बारे में ये रेशियो पूछना चाह रहा है M और G की, ठीक है। जी की जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी 1200, जो कि हम यहां से निकाल चुके हैं। अब आगे हम देखना चाहते हैं कि ये क्या है, ये है आपका सेलिंग प्राइस, यानी सोल्ड करा है, तो सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है 1125 के बराबर, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना निकाला था हमने प्रेम का 3, तो 1125 और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 9 और 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। अब इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा 300 और 1500, यानी 1500, यानी कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा प्रेम वाले का 1500, 1500 कॉस्ट प्राइस आया प्रेम का। अब इसमें रेशियो किसकी बतानी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एम और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल जी, तो आर्टिकल जी का सेलिंग प्राइस, ठीक है, और एम का क्या कॉस्ट प्राइस, तो एम का कॉस्ट प्राइस देखो यहाँ पे, ये एम क्या लास्ट वाला, तो एम का कॉस्ट प्राइस 1500 आ गया, और जो जी है, जी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या था 1200, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 5 था ये वाला एसपी, 1 की वैल्यू 300 तो 5 की वैल्यू 1500, तो यहाँ भी 1500 आ जाएगी, तो इसका मतलब रेशियो 1:1 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये करना है। आगे देखते हैं सम बिकम रेस 21,000 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, जो सम है वो कितना हो जाता है 21,000 हो जाता है, कितने साल बाद, 1 साल बाद, तो फॉर्मूला यही होता है 1P × 1+R/100 × T, पावर मतलब T आता है, टाइम कितना है 1 ईयर, तो 1 साल ऊपर आ जाएगा, फिर उसमें डिवाइड कर देंगे दूसरे वाले को, दूसरे वाले को किसको, जो इसमें ये दिया है द सम बिकम, और दूसरी बार सम कितना हो जाता है 22050, कब, 2 साल में, एट द सेम रेट पे होता है आफ्टर 2 ईयर, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, रेट भी सेम है, तो इसलिए आर, और यहाँ पे बस टाइम क्या हो जाता है टू टू ईयर, ठीक है, इस इक्वल टू को यहाँ लगा लेते हैं जब इसको डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 कट हो गया, पी से पी कट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या क्या कट हो सकता है इसमें, इससे ये कट हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 1/1 + R/100, क्योंकि ये पावर 2 है, ये कट जाएगी, 1 बचेगा नीचे। अब इन दोनों को हमें कट करना है, ठीक है, तो इसको कट करेंगे 5 4 20, 5 4 20, 5 5 5, 5 4 20, 5 2 10 और 0, इतना आने के बाद आपको ये पलट देना है, इसको ऊपर कर देना है और इसको भी फिर ऊपर, यानी पलट देंगे तो 4 4 1/4 2 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस
आर अपॉन में 100, वन इधर जाके माइनस हो जाएगा, जब वन इधर जाके माइनस होगा तो इधर क्या बचेगा, 4420 माइनस वन इज इक्वल टू आर अपॉन में 100, जिसको माइनस करोगे तो यहाँ एलसीएम लेके 420 आ जाएगा, और जब इसमें से माइनस होगा तो ऊपर बचेगा 21, इसको इधर लिख देता हूँ, 21 अपॉन में 420 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100, जिसको मैं कट करूंगा तो ये 2 times में जाएगा, और इसको कट करूंगा तो ये 5 बार में चले जाएगा, तो R की वैल्यू कहीं ना कहीं 5 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर B में दी है। इस तरीके से आपको ये करना है। थोड़ा पेन छोटा कर लेता हूँ, एक सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करना है, अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 40 cm, 35 cm एंड 20 cm आर मेल्टेड टू फॉर्म इक्वल क्यूब ऑफ साइड 4 cm। यानी हमारे पास एक सॉलिड क्यूबॉइड है, यानी एक क्यूबॉइड है हमारे पास, ठीक है, जिसकी डायमेंशन दी, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इस तरीके से दिए हैं, और हमें इनसे क्या बनाना है, क्यूब बनाने, यानी छोटे छोटे क्यूब बनाने, जिनकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। अब ये देखना है कि ये कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, यानी इस बड़े वाले बॉक्स में से ये छोटे छोटे जो क्यूब हैं वो कितने बन सकते हैं। पर इसने एक चीज और दी है कि 20% ऑफ सॉलिड डिफॉर्म इन मेल्टिंग, यानी पिघलाते समय 20% जो सॉलिड होता है, यानी ये खराब हो जाता है, तो बचा कितना, 80%। तो इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है क्यूबॉर्ड का, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल हमारे पास 40 है, फिर 35 इंटू 20। अभी 80% यूज किया क्योंकि 20% खराब हो गया, 80% का मतलब होता है 4 upon 5, 80% का मतलब क्या होता है, 4 upon 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी 4 upon 5 हिस्सा ही हम इसका यूज कर रहे हैं, किस लिए, n, n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, यानी इसके बराबर हमें क्यूब बनाना है ना, ये छोटे छोटे डिब्बे बनाने हैं, तो इसकी वॉल्यूम सामने लिखी जाएगी और मल्टीप्लाई करेंगे n से, क्योंकि हमें नंबर निकालने हैं, यानी कितने नंबर ऑफ क्यूब इसकी वॉल्यूम के बराबर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब 4 है, तो 4 × 4 × 4, क्योंकि a का क्यूब होता है, ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए। अब हमें बस सिर्फ काट पीट करनी है, इससे कटेगा 5 × 4 = 20, इस 4 से ये 4 कट गया, इस 4 से ये वाला 4 कट गया, और इससे ये कट गया 10 times में, तो 35 की 10 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 350। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 350, यानी कि 350 बॉक्सेस बनेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बार ग्राफ के बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। द नंबर ऑफ टीचर इन C6 कहां पर है, ये रहा, ठीक है, 70। ये कह रहा है इज हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ टीचर इन ऑल द कोचिंग, यानी ये सभी कोचिंग में मिलाकर उसमें से बस ये C6 वाला घटा देना, यानी ये कह रहा है जो टोटल नंबर है, ये सभी कोचिंग के जो टोटल नंबर है उनमें से ये कितना कम है, तो माइनस कर दो। तो देखो इनको ऐड करना है, ऐड करने से अच्छा है इनकी यूनिट डिजिट को ऐड कर लो, जैसे लास्ट का 8 और 6 = 14, 0 और 4 = 4, और बचा ये 8, ठीक है, इसको 8 को ऐसे लिखेंगे। अब इसको ऐड करते हैं, 4 और 4 = 8, और 8 और 8 को ऐड करेंगे तो 16, यानी लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, और फिर माइनस क्या कर देना है, ये वाला भी माइनस कर देना, यानी 0, तो 6 में से 0 जाएंगे तो 6 ही बचेगा, तो लास्ट डिजिट देखो 4 6, यही है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप चाहें तो सभी को ऐड करके 70 माइनस कर सकते हैं, वरना यूनिट डिजिट से भी इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ 3242 इज डिवाइड अमंग एक्स वाई जेड, यानी ये जो अमाउंट है उसको एक्स वाई और जेड के बीच डिवाइड कर दी। किस तरीके से डिवाइड करी है, इन्होंने इस तरीके से डिवाइड करी है, इन अ सच वे डेट इफ द शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड आर रिड्यूस बाय 18, 13 and 11 रेस्पेक्टिवली, यानी इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि उस एक्स में से 18, वाई में से 13 और जेड में से 11 रुपए काट लिए जाते हैं, ठीक है, रिड्यूस कर लिए जाते हैं। तो रिड्यूस अगर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं टोटल में से ही तो रिड्यूस हो रहे हैं, तो इसमें से रिड्यूस कर लो, ये टोटल 18, 13 और 11 को जब ऐड करेंगे, 18, 13, 11 को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 42, ठीक है। तो 42 को जब इसमें से माइनस करेंगे 342 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा, 3200। तो यानी 3200 जितना अब अमाउंट बचा, उसी अमाउंट को इन्होंने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो इसको लिख लेंगे 3, 6 और 7, इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, किस अमाउंट को, इस अमाउंट को। अभी पूछना चाह रहा है व्हाट इज द न्यू शेयर ऑफ जेड, जेड का न्यू शेयर यानी 7 वाला, तो कहीं ना कहीं आंसर क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा। तो आप इसको फिर दोबारा वैसे ही भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले कई बार बता चुका हूं, मल्टीपल चेक करो, देखो 900 मल्टीपल नहीं है 7 का, 1200 भी नहीं है, इसको भी चेक करके देख लो, पर ये क्लियर दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, पर फिर भी हम सोल्व करके देखते हैं।
3x, 6x, 7x, इन सभी को जोड़ेंगे तो 16x हो जाएगा, और 16x की वैल्यू कितनी है 3200, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x की 200। अगर x की वैल्यू 200 है तो 7x की हमें निकालनी, क्योंकि इसमें z का शेयर पूछा था, तो 7x मतलब 7 × 200। तो देखो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें एचसीएफ निकालना है, तो डायरेक्ट 6, 3, 9/17 और 36/51 जल्दबाजी में ये कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब टाइम कम होता है ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्पीड में करने लगते हैं, जिसके कारण आसान क्वेश्चन भी वो गलत कर देते हैं। पर इसमें देखो क्या चीज़ है जो आपको देखनी है ध्यान से, यहाँ पे 6 है, फिर 17 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 51, 51 में फिर 9 ऐड होगा, क्या होगा 60, तो यानी 60/17, ठीक है, फिर 36/51। जब कभी भी फ्रैक्शन का हमें एचसीएफ निकालना हो, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, जब कभी हमें फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाले का हम क्या निकालते हैं एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या निकालते हैं एलसीएम। तो इन सभी का एचसीएफ जो आएगा ऊपर वाले नंबर का 6, 60 और 36 का, आपको क्लियर दिख रहा है, 6 ही एक ऐसा नंबर है छोटा जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो 6 ले लेंगे और नीचे क्या ले लेना है 51 ले लेना है, क्लियर। अब देखो क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 3, 7 = 21, इस तरीके से आपको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे देखो एलसीएम जो है नीचे वाले का 51 है, ये आपको क्लियर दिख रहा है, क्योंकि 51 17 से भी डिवाइड हो जाएगा और 51 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ सभी को आते होंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, 5 + 6 = 11 माइनस, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 4/8 इससे ये कट जाएगा, तो 1 माइनस 3 इसको ऐड करेंगे तो 18, ठीक है, 5 ये क्या हो जाएगा माइनस 4 18 में से जाएंगे तो 14 बचेगा, और आगे 11 है ही और नीचे 5, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 25/5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राहुल स्पेंड सम पार्ट्स ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रेस्ट, यानी कुछ अमाउंट वो अपनी क्या करता है स्पेंड करता है और कुछ बचा लेता है। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, यानी जो खर्चा करता है वो 4 करता है और जो सेव करता है वो 5 करता है, ठीक है, रेशियो में। इफ द राहुल्स इनकम इज 90,000 देन व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर, यानी उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, और उसकी 90,000 क्या है सैलरी है, ठीक है, इनकम है, तो इनकम क्या होगी, एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को मिला के इनकम होगी, यानी 9, पर इसमें क्वेश्चन में दिए 90,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेंडिचर पूछा है, 1 की वैल्यू अगर 10,000 तो 4 की वैल्यू 40,000। तो इस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, पर मैं आपको इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, और आप इस प्लीज़ इस क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई करें कि आपके माइंड में किस तरीके सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसको देखकर कि आप इसको कर भी पा रहे हो नहीं, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। जैसे कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज फर्स्टली डिक्रीज, जो रेडियस है वो कितनी डिक्रीज हो जाती है 33.33, यानी 1/3 होता है इसका मतलब, एंड देन इंक्रीज बाय x%, यानी फिर x% इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इफ देयर इज नो चेंज, यानी पहले रेडियस है ना उसको घटा दिया इतना, फिर उसको बढ़ा भी दिया x%, अब हमें नहीं पता कितना बढ़ाया x% बढ़ाया। इफ देयर इज नो चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, फिर बाद में पता चला कि कोई भी फर्क नहीं पड़ा स्पेस सरफेस एरिया में स्फीयर के, तो x की वैल्यू बतानी है। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझना है, अगर सरफेस एरिया पे कोई भी चेंज नहीं आया कहीं ना कहीं, फिर उसकी रेडियस में भी चेंज नहीं आया होगा, क्योंकि जब रेडियस चेंज होती है तभी उसमें सरफेस एरिया में चेंज आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रेडियस ही वेरिएबल होती है। तो रेडियस में चेंज नहीं आया तभी सरफेस एरिया में नहीं आया, तो अब रेडियस से ही हम इसको सोल्व कर देंगे, हमें सरफेस एरिया का कुछ नहीं करना। रेडियस यहाँ पे कितनी डिक्रीज हो गई 33.13, यानी 3 थी पहले 3r और कितनी घट गई 1r घट गई, तो कितनी बची 2r, इतना आया समझ में, यानी 33.33 रेडियस डिक्रीज हो गई, इसको 1/3 में लिखेंगे, ठीक है, r हटाओ 1/3 में लिख लेते हैं, पहले 3 थी और 1 घट गई, क्योंकि 3 का 33.33% 1 होता है, यानी 3 थी पहले रेडियस और वो 1 घट गई बची 2, प्लस उसमें ऐड इंक्रीज कितनी होगी x%। अब x% इंक्रीज होने के बाद पता चला कि रेडियस में कोई भी चेंज नहीं है, सरफेस एरिया में चेंज नहीं है तो रेडियस में कोई भी चेंज नहीं है, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी 3 ही रहेगी,
x की वैल्यू कितनी रखूं जो यहाँ पे 3 आ जाए? तो आपको क्लियर पता है 1 ही रखना है, 1 रखेंगे, 2 प्लस 1 तभी क्या होगा, ये 3 होगा। तो यानी अब हमें क्या लेना है, यानी पहले 2 थी और ये अब 1 इंक्रीज कर दी, तो 1 पहले 2 से 1 इंक्रीज कर दी, इनटू 100 कर दो, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 50%, यानी 50% रेडियस क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 50। ठीक है, इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, वरना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 मीटर लंबी एक ट्रेन, ठीक है, वो दौड़ती है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, इफ इट क्रॉस द ब्रिज इन 70 सेकेंड, वॉट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज? अगर ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो कहीं ना कहीं अपनी लेंथ, ट्रेन लेंथ की ट्रेन और प्लस ब्रिज की लेंथ दोनों को क्रॉस करेगी, कितनी स्पीड में कर रही है, 36 किलोमीटर पर आवर, कितना समय ले रही है, 70, क्योंकि ये आता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया, पर यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में दिया है और सभी चीज़ें मीटर पर सेकेंड, तो इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे ये 5 × 2 = 10 आ जाएगा, 5 × 2 = 10 के बाद 500 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये जो 10 है इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 700 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपको क्लियर दिख रही है 200 आ जाएगी, 700 में से 500 जाएगा तो 200, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसके बाद देखो ये स्कूटर है, आफ्टर गेटिंग रिपेयर, ठीक है, रिपेयर करने के बाद जो उसकी स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड हो जाती है, ठीक है, रिपेयर करने के बाद थोड़ा तेज चलता है, और पहले कितना चलता था, बिफोर गेटिंग रिपेयर 30 किलोमीटर पर आर, यानी पहले उसकी स्पीड कम थी, जैसे ही रिपेयर करा दिया वो भागने लगा 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड तेज से, मतलब तेजी से, यानी 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड ज्यादा हो गई इसमें। आफ्टर रिपेयर ही कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर, यानी कि रिपेयर के बाद वो किसी भी डिस्टेंस को कितने कवर में करता था, एक मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है, पर उसको वो कितने घंटे में कवर कर लेता है, वो 2 घंटे में कवर कर लेता है, तो कह रहा है कि बिफोर गेटिंग रिपेयर्ड, ठीक है, रिपेयर से पहले वो कितना समय लेता, यानी कुल मिला के ये पूछा गया है, जब रिपेयर करा दिया तो 36 किलोमीटर पर स्पीड हो गई, और जो रिपेयर से पहले जो स्पीड थी वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 2 घंटे में कोई डिस्टेंस कवर किया, अब कितना किया, 72 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 36 किलोमीटर तो 2 घंटे में 72 किलोमीटर, अब यही 72 किलोमीटर वो पहले वाली स्पीड से कितनी देर में कंप्लीट करता, तो 72 किलोमीटर को 30 की स्पीड से हमें कवर करवाना है, तो इसको डिवाइड करेंगे, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 और 6 × 5 = 30, यानी कि 12/5 आर इतने लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। 12/5 में जो 5 आर आया उसको अगर पूरा टाइम निकालना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, यानी 144 मिनट, 144 मिनट को किस तरीके से लिख सकते हैं, 60 से डिवाइड करके, यानी 120 मिनट का मतलब होता है 120 मिनट प्लस 24 मिनट, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 2 आर 24 मिनट, यानी इतना समय उसको लगा। अब आगे देखते हैं, वॉट इज द ग्रेटेस्ट नंबर वेन डिवाइड बाय 7 to 8 एंड 900 लीव्स द रिमाइंडर 8 and 4। जब कभी भी दो नंबर एक साथ इस तरीके से रिमाइंडर में दिए हो तो हर एक में से एक एक नंबर वो घटा लेना चाहिए, 7 to 8 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 to 0, ऐसे ही 900 में से 4 माइनस करेंगे तो 896। अब हमें क्या बताना है, इसका ग्रेटर नंबर बताना, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, यानी एक तरीके से एचसीएफ पूछ रहा है वो, ठीक है, जो इसको डिवाइड कर दे, इन दोनों को जो डिवाइड कर दे वो ग्रेटर नंबर बताना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो एचसीएफ है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको रूल पता है, पर मैं किस तरीके से करूंगा, मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, माइनस करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे 6, 7 और यहाँ पे 1, यानी 176 मुझे पता चलेगा, 176 जो भी नंबर इसको डिवाइड कर देगा वही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो आप मुझे ऑप्शन सी में क्लियर दिख रहा है, 16 इसको डिवाइड कर देगा, देखो 16 × 16 और 16 × 16, तो यहाँ पे 16 पूरा डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप एचसीएफ से भी कर सकते हो, पर मैं कहूँगा यही मेथड करना, अगर आप ये सभी मेथड जो मैं इसमें सोल्व करा रहा हूँ सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसके ऊपर एक हर एक चैप्टर के बाद चैप्टर के लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आप पहले बताओ किस चैप्टर के लिए बनाऊं या मैं पूरी सीरीज स्टार्ट करूं, जो भी आप, मैं पोल करवाऊंगा उसके बाद आप बता सकते हो या कमेंट में भी, पर आपको यही तरीके यूज़ करने हैं क्योंकि आपको टाइम बचाना है, जितना ज़्यादा टाइम बचाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा और प्रेशर कम पड़ेगा एग्ज़ाम में, और एक्यूरेसी भी अच्छी आती है, अगर टाइम ज़्यादा लेते हैं, टाइम फिर कम बचता है तो आपको क्या होता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू मार्क प्राइस, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं आप अपने आप, ये सेलिंग प्राइस और ये मार्क प्राइस, ठीक है, यानी
₹7 की चीज थी, उसने कितने में बेची? ₹3 में बेची। तो उसने पूछा डिस्काउंट परसेंट कितना, यानी 7 की चीज थी, 3 में बेची, यानी 4 का डिस्काउंट दिया। बस अब आप इसको निकाल सकते हैं, 400 को 7 से डिवाइड करके 7 5 35, फिर यहाँ क्या बचेगा 50 और 7 7 49, तो 57 आ गया। इतना ही बहुत है, यहाँ 56 48 42 57, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको इसको सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करते हैं। 1/7 ऐसे ही लिख लो, फिर प्लस 7/9 को भी ऐसे ही लिख लो, फिर इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे 9 7 5 2 और 3 2 5 9, फिर -2/9। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि बोर्ड मास लगता है ना, तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ये वाला, ऐसा नहीं कि आप डिवाइड कर दोगे इधर। तो पहले 3 में से 2 गया 1, 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 4, और फिर 4 को डिवाइड करेंगे 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ जाएगा 2, तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख देना है। क्लियर? 3 में से 2 गया 1, और 1 की 4 में मल्टीप्लाई हुई 4, और 4 डिवाइड करना है किस, मतलब ये डिवाइड करना है 4 से, इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखो इंटू 4 लिखा है, ठीक है, फिर प्लस 3 माइनस 7। अब क्या करना है, 4 2 8 प्लस 3 माइनस 7, इसको ऐसे रहने देते हैं, इन सभी को ऐड कर देना है, नीचे 9 और ऊपर 7, माइनस माइनस का 2 माइनस का 5 क्या आ जाएगा, माइनस का 7, तो ऊपर आ जाएगा 0, तो ये पूरा हो गया 0, इसको छोड़ दो। 1/7 आ गया, 8 3 11 11 में से 7 गए 4 बचे, तो 1/7 7 4 28, 28 में 1 ऐड करेंगे 29, तो 29/7, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, ये आपको डायग्राम दिया है, ये डायग्राम वाले बहुत इजी होते हैं, जितने भी बार ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं, तो इनको कभी भी मत छोड़ना, सबसे पहले इन्हीं को ही ट्राई करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही करनी होती है, ऐड और माइनस या परसेंटेज। ए रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ कोक्स इन होटल H2H3, ठीक है, ए का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कोक्स, यानी ए की वैल्यू है H2 प्लस H3, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू दी है हमें टोटल नंबर ऑफ कुक H1 H6, यानी H1 और H6 को जोड़ दो तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पूछना चाह रहा है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो पहले बी की और ए की वैल्यू निकालते हैं, H2 और H3, यानी इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 5 और 9, यानी 95 वैल्यू हो गई ए की, ठीक है। अब इसके बाद H1 और H6 इन दोनों को ऐड करना, यानी 80 और 40, इसकी वैल्यू हो गई 120। अब पूछ रहा है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, ए का कितना परसेंट है बी, तो 95 ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब आपको सोल्व करना है, ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 5 5 जो 25 2 5 9 जो 45 47, 47 के बाद इसको डिवाइड करेंगे 6 7 जो, एक सेकेंड यहाँ पे कहीं गलती होगी, देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो बी ए का कितना परसेंट है ये पूछा है ना, एक सेकंड में एक बार पढ़ लेता हूँ, ए रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ कुक्स इन होटल H2 एंड H3, एंड बी रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ कुक्स H1 एंड H6, तो H1 में ये है 40 और इसमें 80, ठीक है, 120 हो गया, इसको कलर चेंज करता हूँ, और इसमें H2 और H3 को ऐड करेंगे तो ये 95 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूछना चला है देन बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, अच्छा यहाँ पे हमारी देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसने बी को पूछा है ए का कितना परसेंट है, तो जिसको पूछता है कितना परसेंट है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो 120 ऊपर आएगा और 95 यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी, तो इसको कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 5 2 10 0 5 1 5 5 9 45, तो इतना आने के बाद अब आपको डिवाइड करना है। देखो कहीं ना कहीं आप इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड भी लगा सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पर ये 20 होता तो कहीं ना कहीं ये कट जाता, ठीक है, इसका आंसर 134 और 130 नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, आप सोल्व भी कर सकते हैं, इसको सोल्व करो, क्योंकि आप ये होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिलेगा 2400। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 19 से, तो 19 1 जो 19, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 50, तो 19 2 जो 38, 38 के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 120। अब 120 के बाद अब आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि 19 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से करूंगा तो 38 आएगा, और यहाँ पे 120 है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 यहाँ पे है, ये तो कट हो गए, और यहाँ पे 12 मैंने लिख लिया, अब यहाँ पे 2 तो लिख नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है,
तो यहाँ पे टू नहीं लिख सकते, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। पूरा डिवाइड भी नहीं करना, बस ऑप्शन एलिमिनेट करते चलो। यहाँ पे देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसको भी हम बहुत आसानी से करेंगे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड और यूनिट डिजिट का यूज करके। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ एल और ब्रिथ बी, ये कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल है, जिसकी रेडियस क्या है 21, यानी एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस 21 और इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b, जो कि इक्वल है 2πr, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 से 2 कट हो जाएगा और l प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r, sorry πr, ये पाई है, पाई की क्या होगी 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या दी है 21, तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगी 66, तो एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 66। आगे देखते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी कितना दे रखा है इन्होंने 864, क्लियर। ये पूछने चला व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी ये आपको लेंथ बतानी है डायगोनल की। तो देखो लेंथ क्या होगी, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का मतलब एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर उसका अंडर रूट, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम किस तरीके से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, अगर आप सिस्टमेटिक वे में जाओगे तो पहले आपको एल की वैल्यू निकालनी होगी और फिर आपको बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं, तो एल और बी की वैल्यू निकल जाएगी। एल और बी की वैल्यू निकालने के बाद एल की वैल्यू मान लो अगर आ गई 33 और बी की वैल्यू भी आ गई 33, तो इनका फिर स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद इनको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा बड़ा सा उसका फिर अंडर रूट करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आपको देखो क्या करना है, इतना सोल्व कर लिया यहाँ तक जो भी आपको गिवन है, हमको बस ये निकालना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको कैसे निकालेंगे, आपने ए प्लस बी का, एक सेकेंड, आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम एल प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, क्लियर। यहाँ पे lb की वैल्यू क्या है 864, तो 864 की वैल्यू अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कहीं ना कहीं लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 आएगा। मुझे यूनिट डिजिट में सिर्फ लास्ट के डिजिट से मतलब रखना है और किसी से नहीं, यहाँ एक नंबर आएगा जिसके लास्ट में 8 आएगा, क्लियर। प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे एल प्लस बी का क्या करना है स्क्वायर, एल प्लस बी क्या है यहाँ पे 66, तो 66 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 66 36, यानी लास्ट में 6 आएगा, आगे कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, अब 8 को इधर से जाके माइनस कर दो, यानी एक नंबर है ये वाला, इसमें से एक नंबर माइनस करना है जिसके लास्ट में क्या है 8, तो जो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे 8 ही आएगा और नंबर आगे कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे 6 है तो इसके आगे कुछ ना कुछ नंबर होंगे, जब हासिल लूंगा तो 1, तो 16 में से जब 8 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पे कुछ नंबर होंगे उससे हमें मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट में बस याद रखना लास्ट डिजिट से मतलब होता है। तो एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ गई 8, बस यहाँ तक ही हमें करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है अंडर रूट, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू दी है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है, अगर हम इनका स्क्वायर करें अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा, और ये किसके बराबर है जिसकी यूनिट डिजिट 8 है, तो यहाँ पे हम इन सभी का स्क्वायर करेंगे और जिसकी यूनिट डिजिट 8 आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका पहला करके देखते हैं, इसका जब स्क्वायर करेंगे 6 6 36, यानी लास्ट में 6, ऐसे ही जब अंडर रूट 73 का करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा, क्योंकि 73 का अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 73, हमें लास्ट डिजिट से मतलब है इसलिए डायरेक्ट 3 लिखेंगे, तो 6 3 18, तो देखो यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे भी 8 था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इसमें यूनिट डिजिट 8 नहीं आएगी, नहीं तो मैं एक ऑप्शन चेक करा के दिखा देता हूँ। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, यानी लास्ट में 5 इंटू 102 है इसका अंडर रूट में, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, तो 2 की जब 5 से करेंगे 2 5 10, यानी लास्ट में 0 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, ठीक है। अगर किन्हीं मतलब बहुत से बच्चों को मुझे लगता है जिनको ये यूनिट डिजिट नहीं आती, कहीं ना कहीं इनको ये क्वेश्चन अजीब लगा होगा, पर फिर भी आपको इसी मेथड से करना है, जिसको भी आपको मतलब टाइम बचाना है, वरना सिंपल मेथड है जो मैं बता चुका हूँ पहले कि एल की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, फिर इसमें पुट करो, स्क्वायर करो, फिर उसका अंडर रूट करो, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, टाइम लगेगा, टाइम बचाना है तो ये आपको मेथड सीखने पड़ेंगे, और इनके लिए हम क्लास चलाने वाले हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जितना अच्छा रेस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है।
क्योंकि हमारा भी नया चैनल है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और हम अपनी जितनी भी नॉलेज है, जो भी हमने अपने मतलब पास्ट में जितने भी एग्ज़ाम निकाले और उनसे जो भी हमने सीखा, वो हम सभी चीज़ें आपको सिखाएंगे। क्या मिस्टेक करनी चाहिए, मतलब सॉरी, क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और क्या मिस्टेक से बचना है। यानी बहुत सी मिस्टेक ऐसी होती हैं जो बच्चों को पता नहीं होती, पर वो हो जाती हैं एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, तो किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम बताएंगे। तो वीडियो को सपोर्ट करो, तभी हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। ये आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें सेंट्रल एंगल पूछा है। सेंट्रल एंगल किसका? डी फोर डे का। यहाँ पे डी फोर डे, यहाँ पे बहुत सारे डे हैं, सभी को ऐड करो, 16%, 11%, 13। ठीक है, सभी को ऐड करेंगे जहाँ तक 100% बैठता है। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई? 360। यानी टोटल 100% मिला के एंगल बन रहा है 360। अब इसने पूछा डी फोर कितना बना रहा है, डी फोर ये रहा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 अपॉन में 100। तो यहाँ पे डी फोर की वैल्यू पूछी, यानी 14%। तो 14% का मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर दो 14 से, इससे ये कट गया और यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 5। क्लियर? अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जो 32, 4 जो 4 7 8, 1 2 5 और यहाँ पे 2 2 5 2 आ गया। ठीक है, 2 5 2। अब इसको डिवाइड किससे कर देना है? 5 से। तो 5 25 0 और नीचे 2 बचा और 4 जो 20, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2 5 2 को आपको डिवाइड किससे करना है? 5 से डिवाइड करना है। तो आपको आंसर क्लियर यहाँ पे डी मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको सच में हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके दोस्त DSSSB की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम है फेब या मार्च में, तो प्लीज़ उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। इस चीज़ की गारंटी होगी, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि मैं उसी लेवल का पढ़ा रहा हूँ और उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जिस हिसाब से आपको पेपर सोल्व करना चाहिए। ये नहीं होता हमारा टारगेट कि सिर्फ क्वेश्चन करा दिए या अपने फॉलोअर को आसान आसान चीज़ें पढ़ा दी। हम वही चीज़ें और वही कंटेंट लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। इसी प्रकार से आप हमारी यूपी लेखपाल और RRB NTPC की वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि चाहे वो जीरो लेवल का हो या अपर लेवल का, हर एक बच्चे को एकदम सेम एजुकेशन देना। ठीक है, आप जब हमारा चैप्टर वाइज सिलेबस देखेंगे तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।